आज हम लोग जा रहे हैं कवर करने सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस के पीवाईक्यूज। आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर रिसेंट ईयर में बात करें तो 2023-24 में 3 क्वेश्चंस आए, उसके पहले 5 क्वेश्चन, उसके पहले 8 और इवन 10 क्वेश्चंस तक आ चुके हैं। तो रिसेंट ईयर में इस टॉपिक का वेटेज जो है काफी हाई है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स कंटेनिंग टू एलिमेंट्स एंड फोर एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग थ्री और मोर एलिमेंट इज बिंग आस्क्ड। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं, एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर हमारे पास चार एलिमेंट हैं। तो जो ए क्रॉस बी है जिसका सबसेट कितना होगा ये पूछा जा रहा है, बट तीन और तीन से ज्यादा ही एलिमेंट उसमें होने चाहिए। तो उसके लिए एन ए क्रॉस बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितना होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 8। अब 8 एलिमेंट है हमारे पास ए क्रॉस बी में और हमें तीन या तीन से ज्यादा रखना है। इसका मतलब जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें चाहिए 8C3, 8C4, 8C5 और ऐसे करते करते हम जा सकते हैं 8C8 तक। बट अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात की जाए तो वो तो होता है 2 to the power mn। m का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेकेंड सेट। बट ये तो टोटल होता है, अगर हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड में 8C0 से स्टार्ट किया होता तब वो होता, बट वो तो किया नहीं, तो इसलिए इधर से वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। -8C0, -8C1, -8C2, क्योंकि ये तीनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में नहीं थे। अगर आप इसको लेफ्ट साइड में सारा भेज दोगे तो 8C0, 8C1, 8C2 ऐसे करते करते 8C8 तक जब टोटल बनता है तब ये फॉर्मूला होता है कि 2 के ऊपर पावर में दोनों सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई होता है। तो अब इसका आंसर कितना आ गया, 2 to the power 8, ये तो हो जाएगा 256। -8C0 का मतलब होता है 1, क्योंकि 8C0 का मतलब है 8 ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से हम 0 सेलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही 8C1 का मतलब होता है 8, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से हम कोई एक सिलेक्ट कर रहे हैं। और 8C2 हम अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, 8C2 का मतलब होता है 8 factorial by 6 factorial 2 factorial। तो ये 8 factorial को हम लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 factorial, तो ये 6 factorial 6 factorial कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 × 7 = 28 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ओवरऑल आंसर हो गया 219। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक फंक्शन है 1 से इनफाइनाइट जिसका डोमेन है, यानी एक्स की जो इनपुट की वैल्यूज हैं वो 1 से इनफाइनाइट तक हो सकती हैं, और जो कोडोमेन है फंक्शन का वो है 2 से इनफाइनाइट। फंक्शन यहाँ पे गिवेन है, हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो उसके लिए इस फंक्शन एफ एक्स को मान लेंगे वाई और ये है x+1/x। अब इसको एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा x² + 1 डिवाइडेड बाई एक्स एंड दैट इज वाई। तो यहां से अगर रीअरेंज करके लिख लें इसको तो ये हो गया x² + 1 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये राइट हैंड साइड वाले टर्म को थोड़ा लेफ्ट में लिख लिया है, तो ये क्वाड्रेटिक जैसा बन गया, x² - xy + 1 इज इक्वल टू 0। और अगर क्वाड्रेटिक के जैसा बन गया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -b का मतलब ये -y का -y हो गया, और प्लस माइनस बीच में होता है √b² - 4ac होता है क्वाड्रेटिक में, तो b² मतलब y² यहाँ पे हो जाएगा -4 × a की जगह पे भी 1 है और c की जगह पे भी 1 है, तो ये डिवाइडेड बाई नीचे 2 हो गया। अब x का वैल्यू हम देख सकते हैं कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था, 1 से इनफाइनाइट तक। तो ये x तो हमारा बिलोंग करेगा 1 से इनफाइनाइट तक, निगेटिव हो ही नहीं सकता एज गिवन इन द क्वेश्चन। देयर फोर हम क्या बोल सकते हैं कि हमें कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करना चाहिए एक्स का, एक्स का हमें सेलेक्ट करना चाहिए y+√y² - 4/2 का वैल्यू, वो माइनस वाला निगलेक्ट करना चाहिए। और हमें पता है कि जो फंक्शन था एफ एक्स उसको हमने माना था वाई, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे हम एफ इनवर्स ऑफ वाई लिख सकते हैं, करेक्ट। और अगर ये एफ इनवर्स ऑफ वाई हो गया y+√y² - 4/2, तो अगर x रख देंगे इस y की जगह पे तो हमारे पास f इनवर्स भी आ गया इन टर्म्स ऑफ x। तो ये हो जाएगा x+√x² - 4 / 2 और करेक्ट ऑप्शन है ए।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। तो क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे है कि रिलेशन है क्या पे, जो कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी होना चाहिए और ए लेस देन और इक्वल टू बी होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से टाइप का रिलेशन है, बेसिकली ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम लोग बात करें कि एक रिलेशन कैसे डिफाइंड होता है, तो अगर एक सेट यहाँ पे ए है, एक दूसरा सेट ए है, तो इस तरीके से एक सेट से दूसरा सेट के ऊपर ये रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। तो सिंस यहाँ पे सेम सेट पे डिफाइन होता है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि अगर लेट सपोज कोई ए एलिमेंट कैपिटल ए सेट में बिलोंग करता है, ठीक है, तो उस केस में अगर ए कॉमा ए रिलेशन में प्रेजेंट है, तब हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अगर यहाँ पे गिवन ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग इस बात को चेक करके देखें तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए कॉमा ए की बात करें, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ए कॉमा ए इस रिलेशन में लाई करेगा। वाई? बिकॉज यहाँ से अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो साफ साफ पता चल रहा है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू ए। बिल्कुल सही बात है, इज ट्रू। कोई भी अगर ए का वैल्यू ले ले सेट ए से, फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, हर एक एलिमेंट के लिए ये बात ट्रू होगी, इसलिए ये रिलेशन में है और ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर डी तो कैंसिल हो गया, उसमें लिखा हुआ है नाइदर रिफ्लेक्सिव। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी सेट में किसी रिलेशन में ए कॉमा बी प्रेजेंट है, देन अगर बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो वो हो जाए सिमेट्रिक रिलेशन। तो अगर ए कॉमा बी है, तो उसका मतलब क्या है कि ए से बड़ा है बी। तो क्या इसका ये भी मतलब निकाल लिया जाए कि बी से बड़ा होगा या इक्वल होगा ए? ये तो थोड़ा सा गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे लेट सपोज एग्जाम्पल लूँ कि 1 से बड़ा या इक्वल टू 2 है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, कम से कम 2 1 से बड़ा तो है। लेकिन क्या इसका मतलब ये भी निकाल लें कि 2 से बड़ा हो गया 1? ये तो गलत हो गया। इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। करेक्ट बात है, ये सिमेट्रिक नहीं है। और सिमेट्रिक अगर नहीं है तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। और ऑप्शन ए भी गलत हो गया, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। बट फिर भी मैं बता देता हूं कि ट्रांजिटिव का मतलब होता क्या है। तो ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि अगर इफ ए कॉमा बी इस टाइप का कोई रिलेशन में प्रेजेंट है, और साथ में बी कॉमा सी ये भी कोई रिलेशन में प्रेजेंट है, तो वो ये इम्प्लाई कर दे कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में है, तब वो ट्रांजिटिव होता है। तो ऑप्शन सी में ट्रांजिटिव लिखा हुआ है, उसको हम लोग समझ भी सकते हैं। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, तो उसका मतलब है कि ए से बड़ा है या फिर इक्वल है बी। बी कॉमा सी अगर रिलेशन में, उसका मतलब ये है कि बी से बड़ा या फिर इक्वल है सी। तो अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो दोनों को मिला के ये तो लिख ही सकते हैं ना कि ए से तो पक्का बड़ा होगा सी, या फिर मैक्सिमम ऐसा हो जाए कि कंडीशन ऐसे हो जाए कि ए और सी सेम हो जाए। तो डेफिनेटली ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर में ये कहा जा रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस ax, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0, इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। तो सीधी सी बात है कि फंक्शन एफ एक्स की जगह पे वाई ले लेंगे, और वाई इक्वल टू हो गया 1 प्लस ax। तो यहां से y माइनस 1 को लिख सकते हैं ए एक्स, या फिर हम x को भी लिख सकते हैं y माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए। करेक्ट। अब ये जो फंक्शन की जगह हमने y लिया था, एक्चुअल में एफ एक्स इक्वल टू वाई लिया था, तो इसका मतलब ये भी निकल के आता है कि x की जगह पे हम f इनवर्स ऑफ y लिख सकते हैं। यानी ये जो x का वैल्यू है, ये कुछ और नहीं, हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f इनवर्स ऑफ y। तो अगर f इनवर्स ऑफ y y माइनस 1 बाई ए है, तो यहां से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो गया, इट इज एक्स माइनस 1 बाई ए। वाई की जगह पे सिर्फ एक्स रख दिया, और एफ एक्स हमें पता ही था, क्वेश्चन में ही गिवन था कि 1 प्लस ax है। तो अगर फंक्शन खुद इनवर्स के इक्वल ही है, ये क्वेश्चन में मेंशन है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज द इनवर्स इटसेल्फ, तो वहां से कंपेयर कर लेंगे, एक्स माइनस 1 बाई ए का वैल्यू होना चाहिए 1 प्लस ax के इक्वल। यानी यहाँ पे अगर अलग अलग लिख लें, तो एक्स बाई ए और माइनस 1 बाई ए, इसका वैल्यू होना चाहिए 1 प्लस ax। अगर हम कोफिशियंट्स को कंपेयर कर दें दोनों साइड,
तो लेफ्ट साइड से जो कोफिशियंट निकल के आ रहा है एक्स का वो है 1 बाई ए, और राइट साइड से जो कोफिशियंट निकल के आ रहा है वो है ए, करेक्ट। तो इसका मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, विच मीन्स कि ए का वैल्यू या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। और अगर कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करें, ये क्या किया हमने, कोएफिशियंट ऑफ एक्स को कंपेयर किया, कोएफिशियंट ऑफ एक्स ऑन कंपेयरिंग कोएफिशियंट ऑफ एक्स। और ऐसे ही कॉन्स्टेंट्स को अगर हम कंपेयर करें, कॉन्स्टेंट्स, तब तो डायरेक्ट आंसर दिख जाता, क्योंकि लेफ्ट साइड से -1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, राइट साइड में 1 है, तो यहाँ से इसीलिए ए का वैल्यू -1 एक्सेप्ट करेंगे, जो ऊपर 2 वैल्यूज आ रहा था उसमें से ये जो 1 आ रहा था उसको इग्नोर करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेंज ऑफ फंक्शन बताना है। फंक्शन यहाँ पे हमें गिवेन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अंदर वाले टर्म को एक बार कैपिटल वाई करके एज्यूम कर लेते हैं कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स इस तरीके से, और जरा स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। ऐसा करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, और फिर हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स, इस टाइप से बन गया कुछ। अब साइन एक्स का जब स्क्वायर हो ही रहा है तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, वैसे ही कॉस का भी। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डायरेक्ट भी क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये एक साथ 2 sin x cos x लिख के और फिर मॉड ले सकते हैं, क्योंकि सब पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई कर लो ना एक साथ। तो ये कैपिटल वाई स्क्वायर जो टर्म आ गया वो इतना आ गया। अब ये टर्म क्या हो गया, 2 sin x cos x, वो तो होता है sin 2x, तो मॉड ऑफ हो गया sin 2x, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर बात करें किसी भी साइन ऑफ सम एंगल, तो वो हमेशा -1 से 1 होता है, लेकिन यहाँ मॉड लगा हुआ है तो निगेटिव साइड जा नहीं सकता, तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा मिनिमम, और ये 1 तक जा सकता है, बट हमें तो चाहिए 1 प्लस मॉड करके। तो दोनों साइड अगर हम 1 ऐड करते हैं तो ये हो गया 1 प्लस मॉड ऑफ sin 2x, और ये इधर हो गया 2, और ये वैल्यू कुछ और नहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में ये वाई स्क्वायर हो गया, और ये हो गया <= 2। तो इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट ले लें तो 1 से ज़्यादा होगा वाई का वैल्यू, या फिर √2 तक जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू नहीं, ये सिर्फ स्क्वायर जो ब्रैकेट है उसके अंदर की वैल्यू की बात हो रही है, कि वो 1 से लेके और √2 तक हो सकता है, और √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414 के आसपास होता है। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे इस वाई का, तो वो 1 होगा या फिर 1.414 हो, आंसर तो उसका 1 ही आएगा। तो देयरफॉर जो रेंज है फंक्शन का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है, रेंज ऑफ एफ में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू, इसलिए ये वाला ब्रैकेट यूज करके लिख देंगे 1, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि एक फंक्शन है एफ, आर से एस पे डिफाइंड है वो, इसका मतलब आर इज योर डोमेन, और जो एस है वो क्या है, वो कोडोमेन होता है। तो एस जो है वो कोडोमेन है, और आगे फंक्शन गिवेन है हमें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस √3 cos x + 1, और ऑन टू फंक्शन है, तो हमें एस इंटरवल बताना है। तो बेसिकली ऑन टू फंक्शन का रूल ये होता है कि जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल हो जाता है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे कोडोमेन हमारा क्या है, सेट एस है, तो अगर इंटरवल ऑफ एस पूछा जा रहा है तो क्यों ना रेंज निकाल लें। अगर फंक्शन का रेंज निकाल लें तो वहां से हमें पता चल जाएगा। तो रेंज कैसे निकलेगा, एफ एक्स को ही हम लोग वाई लिखते हैं, और जो ये पोर्शन है साइन एक्स माइनस √3 cos x, इतने पोर्शन में मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जरा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 1/2 sin x - √3/2 cos x, ठीक है, ये बन गया, और +1 सेपरेटली जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, तो ये हो गया 1/2। और यहाँ पे अब हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, ये जो 1/2 लिखा हुआ है इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस के टर्म्स में, cos 60 sin x माइनस, यहाँ पे जो √3/2 लिखा हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ sin 60° cos x, और +1। तो अब ये sin a cos b माइनस sin b cos a जैसा कुछ हो गया, जो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है अपना क्या, साइन ऑफ, तो यहाँ पे ये 1/2 बेसिकली नहीं है 2 है, तो ये 2 था बाहर, ठीक है, तो
वन बाई टू की जगह हमने कॉस 60 रखा और ये रूट 3/2 की जगह साइन 60 रखा, तो ये जो फॉर्मूला बन गया वो मैं फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अगर कहीं पे हम लोग लिख रहे हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज नथिंग बट साइन ऑफ एक्स माइनस 60 डिग्री और प्लस वन। अब ये जो साइन ऑफ एनी एंगल है उसका आंसर -1 से 1 तक होता है, तो 2 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि -2 से इसका वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस 60 डिग्री, ये -2 से 2 तक जा सकता है, क्योंकि ये जो साइन वाला वैल्यू है ये -1 से 1 तक होता है इसका वैल्यू, तो इसका ओवरऑल -2 से 2 हो जाएगा। और +1 करना है तो वाई मिल जाएगा हमें, और वाई हमारा क्या होता है, रेंज जो भी फंक्शन का है। तो मैं -2 +1 करूंगा और इस साइड +1 करते ही ये बन गया वाई, और इधर आ गया +1 करते ही 3। तो ये -2 +1 क्या हो गया, -1 से वाई कहाँ तक बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा 3 तक। इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है, वाई बिलोंग्स टू -1, 3, और यही अपना क्या हो गया कोडोमेन। सो जो अपना एस इंटरवल है वो होगा -1 से 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला जा रहा है कि द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्जर्व फ्रॉम अ स्टडी ऑफ कार कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम 360 रेस्पोंडेंट्स। तो एक कार कंप्लेंट के रिगार्डिंग सर्वे कराया गया जिसमें 360 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें इंजन प्रॉब्लम है, ट्रांसमिशन प्रॉब्लम है या माइलेज प्रॉब्लम है। तो जितने लोगों का सर्वे हुआ 360 में से, उसमें देर वॉज नो वन हु फेस्ड एग्जैक्टली टू ऑफ दिस प्रॉब्लम, उनमें ऐसा कोई नहीं था जिसको ये 3 प्रॉब्लम में से कोई 2 प्रॉब्लम हो। सिर्फ 180 रेस्पॉन्डेंट्स ऐसे थे हु फेस्ड इंजन प्रॉब्लम, 240 ऐसे थे जो ट्रांसमिशन प्रॉब्लम के बारे में बताए, और 300 ऐसे थे जो माइलेज प्रॉब्लम्स था। सो हाउ मेनी ऑफ देम फेस्ड ऑल 3 प्रॉब्लम्स। तो ऐसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करते हैं। ये वेन डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करें इस तरीके से, ये 3 सर्कल्स रिप्रेजेंट करता है 3 डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम। ये इंजन प्रॉब्लम है, ये टी फॉर ट्रांसमिशन प्रॉब्लम है, एम फॉर माइलेज प्रॉब्लम है। तो उस केस में क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट 180 रेस्पोंडेंट्स फेस्ड इंजन यू नो प्रॉब्लम, तो 180 ये हो गया, 240 ऐसे हैं जो ट्रांसमिशन प्रॉब्लम बता रहे हैं तो 240 ये हो गया, और 300 ऐसे हैं जो माइलेज प्रॉब्लम, तो माइलेज प्रॉब्लम वाले 30 हो गए, 300 हो गए। अभी 2 प्रॉब्लम एक साथ किसी को नहीं है, तो ये वाला वैल्यू 0, ये वाला वैल्यू 0 और ये वाला वैल्यू 0, जहां यहाँ पे दोनों सर्कल्स के बीच में कॉमन पोर्शन की बात आ रही है। अब ये वैल्यू जो तीनों में कॉमन है उसको एक्स मान लेते हैं, करेक्ट, ये वैल्यू हो गया एक्स। अगर हम लोग इस ई वाले सर्किल की बात करें तो वो टोटल 180 बताया जा रहा है, तो उस केस में यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 180 माइनस एक्स। ऐसे ये टोटल जो टी सर्किल है वो 240 होना चाहिए, तो ऑलरेडी एक्स उसमें है, तो ये 240 माइनस एक्स हो गया, और ये हो जाएगा सिमिलरली 300 माइनस एक्स। अब जो टोटल रिस्पोंडेंट थे वो तो 360 थे, तो वो कब आएगा, जब हम पूरे सर्कल्स का सम कर देंगे, बेसिकली ई यूनियन एम यूनियन टी, इसमें कितने लोग बिलोंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एम यूनियन टी। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये आएगा 180 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 240 माइनस एक्स प्लस 300 माइनस एक्स, और ये वैल्यू होना चाहिए हमारा 360 के इक्वल। तो अगर हम लोग 180, 240 और 300 को ऐड करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा 300, 240 मिला के 540, 540 और 180 मिला के 720 हो गया, और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल हुआ, यहाँ माइनस एक्स मिला के -2x हो गया, एंड दैट इज 360। तो मैं बोल सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 360 बेसिकली, तो x का वैल्यू क्या आ गया 180। सो जो हमने एज्यूम किया था कि सभी तीनों प्रॉब्लम्स कितने लोगों को हो रही है, तो 180 आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, आर का मतलब। तो इस एफ एक्स फंक्शन का हमें रेंज बताना है, तो इस एफ एक्स को मान लेंगे सबसे पहले तो वाई, और इधर गिवेन है एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जस्ट इसमें एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, और इसको अरेंज करके अगर लिख ले तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये एक एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया, तो एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर अप्लाई करें तो ये हो गया वन माइनस फोर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू वाई। तो डेफिनेटली हम अगर फंक्शन को देखें तो सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, यानी जो एक्स की वैल्यूज हैं वो रियल नंबर हो सकती हैं, तो वाई डेफिनेटली जीरो तो नहीं होगा, राइट। तो वाई अगर जीरो नहीं होगा तो एक्स की वैल्यू रियल नंबर भी है, इमेजिनरी भी नहीं होगा, तो ये रूट के अंदर वाला टर्म दैट शुड बी पॉजिटिव, और दैट इज वाई वी से डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता ये रूट का टर्म। सो फ्रॉम देयर आई कैन से वन माइनस फोर वाई स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसको अगर हम लोग लिख लें फोर वाई स्क्वायर माइनस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो ये बन जाएगा टू वाई का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू जीरो, यानी एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं टू वाई माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं टू वाई प्लस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन पे देखें तो दो पॉइंट्स है हमारे पास माइनस हाफ और वन बाई टू, एक एक ब्रैकेट को अगर इक्वेट करें जीरो से, तो जब भी लेस देन जीरो होता है सोल्यूशन हमेशा इसके बीच में लाई करता है इन दोनों पॉइंट्स के, तो मैं बोल सकता हूँ कि y का जो वैल्यू है वो माइनस हाफ से बड़ा और वन बाई टू से छोटा होना चाहिए, और y के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया, मतलब ये क्या हो गया रेंज ऑफ द फंक्शन, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सब माइनस यहाँ पे मिसप्रिंट है एक तरीके से, इसको इग्नोर करें, माइनस नहीं है ये, जस्ट क्लोज ब्रैकेट माइनस हाफ से हाफ है, करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर नाइन में गिवन है कि एक फंक्शन है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट से एक सेट ए पे डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस एट, और ये गिवन है कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो हमसे ए के बारे में पूछा जा रहा है इन्फॉर्मेशन, सेट ए ये में से कौन सा ऑप्शन है। तो ये बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, वन वन एंड ऑन टू बोथ, राइट। और ऑन टू फंक्शन का बेसिकली रोल ये होता है कि ऑन टू फंक्शन में जो सेकेंड सेट है उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जिसके पास प्री इमेज ना हो, विच ऑल्सो मीन्स कि ऑन टू फंक्शन में को डोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाता है। तो अगर मुझे सेट ए फाइंड करना है तो मैं क्यों ना डायरेक्टली इस फंक्शन के रेंज के ऊपर बात कर लूँ। सो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस एट, ये गिवन फंक्शन है, इसमें मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एट और प्लस एट ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये बन गया माइनस, और अरेंज करके लिखने पे एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस वन लिख लूंगा ताकि ये प्लस नाइन माइनस वन एट हो जाए। तो यहाँ से अगर मैं माइनस को अंदर भेज दूँ तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, फिर माइनस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये आ गया वाई का वैल्यू। अब अगर वाई का जो मिनिमम वैल्यू है उसके बारे में सोचें तो मिनिमम वाई होने के लिए एक्स मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कोई अगर एक्स इनफाइनाइट पुट कर दे, जो कि पॉसिबल भी है यहाँ पे, क्योंकि एफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो इसी में से तो हम एक्स चूज करते हैं, यही तो डोमेन ऑफ द फंक्शन होता है। तो एक्स अगर कोई इनफाइनाइट रख दे तो वन माइनस इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वाई का जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें समझ में आ रहा है कि वो तो टेंड कर रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और मैक्सिमम कब होगा भाई, जब कम से कम सब्ट्रैक्ट हो, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर होने की वजह से मिनिमम वैल्यू क्या होगा उसका, जीरो, उससे मिनिमम वैल्यू तो पॉसिबल भी नहीं है इस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। हाँ, एक्स की जगह थ्री रख दे तो जीरो हो जाएगा, और उस केस में ही मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगा, वन। तो हम देख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक हम जा सकते हैं वाई के रेंज की बात करें तो, और सिंस ये बाइजेक्टिव फंक्शन था यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ है क्वेश्चन नंबर टेन हमारे पास। दो सेट गिवेन है, एक सेट ए है जिसमें एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर दिया हुआ है, और यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज मेंशन है हमारे पास। दूसरे सेट में भी एक इक्वेशन गिवेन है, एक बेसिकली इनइक्वालिटी है वो, और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवेन है। तो एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन है ना बी सेट के अंदर, ये थोड़ा थोड़ा इलिप्स के टाइप का दिख रहा होगा आपको। अगर मैं एक्स माइनस सिक्स की जगह पे कैपिटल एक्स लिख लूँ तो ये फोर एक्स स्क्वायर हो गया, और अगर इसकी जगह पे मैं कैपिटल वाई लिख लूँ नाइन वाई स्क्वायर हो गया, और ये है लेस देन और इक्वल टू 36। अगर मैं 36 से ओवरऑल डिवाइड कर दूँ तो ये कुछ ऐसा बन गया, एक्स स्क्वायर बाई नाइन प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर एंड लेस देन और इक्वल टू वन, ये हमारे पास आ। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे या बेसिकली इस इनइक्वालिटी के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो ये इलिप्स है, ये लेस देन को तो आप छोड़ दें, बिना लेस देन के कंसिडर किए अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा एक इलिप्स बनेगा, जहाँ पे ये हो जाएगा 3.0, ठीक है, और ये ऊपर हो जाएगा 0.2,
क्योंकि ये 9 3 का स्क्वायर है और ये 4 2 का स्क्वायर होता है। ये एलिप्स बन गया। और ये जो लेस देन और इक्वल टू का सिंबल था यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में, उसका मतलब ये होता है कि या तो पॉइंट एक्स वाई इसके ऊपर होगा एलिप्स के, या तो उसके अंदर कहीं भी हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स अलाउड हैं क्योंकि लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर ओके, दे कैन बी टेकन। बट अब अगर दूसरे पोर्शन को सॉल्व करें जो ऊपर गिवेन है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव वो होना चाहिए लेस देन वन, तो ऑलरेडी एक्स माइनस सिक्स की जगह पे तो हमने कैपिटल एक्स रखा था, तो यहाँ भी वैसे ही बना लेते हैं। कैपिटल एक्स में प्लस वन अगर कर दें तो यही तो आएगा एक्स माइनस फाइव। आप देखो तो एक्स माइनस सिक्स की जगह मैंने कैपिटल एक्स लिखा था, तो एक्स माइनस फाइव कैसे आएगा अगर मैं कैपिटल एक्स में प्लस वन कर दूं। तो कैपिटल एक्स में मैंने कन्वर्ट करके इसको ऐसे लिख लिया। फिर अगर हम वाई वाले टर्म को देखें तो उसको भी सॉल्व करना है, तो वाई माइनस फाइव वो तो हमने एज इट इज कैपिटल वाई माना था, तो ये तो मॉड ऑफ वाई लेस देन वन हो गया। तो जरा एक्स और वाई को भी सॉल्व करें, तो ये वैल्यू हो गया माइनस वन से कैपिटल एक्स प्लस वन, वन तक माइनस वन कर रहा हूं तो ये आ गया माइनस टू, ये कैपिटल एक्स, और ये आ गया वन माइनस वन जीरो वैल्यू। वैसे ही ये माइनस वन से वाई का वैल्यू वन तक। अभी डायग्राम को देखते हैं, अगर ऊपर जीरो कमा टू था तो ये नीचे जीरो कमा माइनस टू होगा, तो एक्स का जो वैल्यू है अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो इधर 3,0 था तो ये -3,0 होगा, तो कहीं यहाँ पे -2,0 होगा, ये हो गया -2,0। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, -2 से 0 तक। इसका मतलब ये -2 है और ये है 0,0, यहां तक हम लोग जा सकते हैं। y का वैल्यू कहां से कहां, -1, -1 कहीं यहां पे होगा 0,-1, और 1 तक जा सकते हैं तो 1 भी कहीं यहां पे होगा 0,1। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें इसको, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या सिचुएशन बन रहा है कि ये जो वैल्यू है ये कहीं यहाँ पे जा सकता है, वन तक जा सकता है, नीचे ये कहाँ तक जा सकता है, माइनस वन तक, और एक्स का वैल्यू इस माइनस टू से इस जीरो तक जा सकता है। तो ये जो पोर्शन है यही पोर्शन क्या है, दिस इज सेट बी, और ये जो बना हुआ है एलिप्स टाइप का ये है ए, तो पूरा का पूरा बी इस ए के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए बी क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए, और ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 है कि देयर इज अ रिलेशन आर ऑन सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाय ए रिलेटेड विथ बी सच दैट ए माइनस बी जो मॉड है उसका लेस देन और इक्वल टू 1/2 है। तो उस केस में रिलेशन आर, हमारे पास चार ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन सब में हमें फैसला करना है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसके लिए तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रिलेशन डिफाइंड कैसे होते हैं। ये हमारे पास सेट आर ऑफ रियल नंबर है, ये भी सेट आर रियल नंबर्स का है, और इस तरीके से ये वाला आर रिलेशन के लिए यूज कर रहा हूँ। तो ध्यान से आप देख लो, क्योंकि नोटेशंस तो सेम है, तो इसलिए थोड़ा सा आर और कैपिटल आर दोनों रिलेशन के लिए भी यूज हो रहा है और सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए पहली बार। दूसरा यहाँ पे ये होता है कि अगर हम लोग ये बोले कि कोई एलिमेंट ए कैपिटल आर सेट में प्रेजेंट है, तो हर एक उस एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए ये रिलेशन में होना चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव, ये कंडीशन होता है फॉर रिफ्लेक्सिव। तो अगर उस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें, तो ये अगर हम लोग बोल रहे हैं कि a कॉमा ए रिलेशन में प्रेजेंट है, देन जो गिवन रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस ए उससे बड़ा है हाफ, और ये बिल्कुल सही बात है, यस और नो, बिकॉज जीरो से तो 1/2 बड़ा ही है ना, तो ये बिल्कुल सही बात है कि रिफ्लेक्सिव तो है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है ये। एक जगह पे और बोला जा रहा है कि नॉट रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, करेक्ट और नॉट। तो अब बच जाता है ए और सी, और ए और सी में से अगर हम लोग बात करें तो एक जगह पे लिखा हुआ है सिमेट्रिक फर्स्ट ऑप्शन में, और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है नॉट सिमेट्रिक। अगर आप ध्यान से देखें इन टर्म्स को, एंड सिमेट्रिक और यहाँ पे बट नॉट सिमेट्रिक, इसका मतलब शायद ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हम लोग सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पे किसी रिलेशन में इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन बी कॉमा ए दैट मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। तो सीधा सा इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए माइनस बी इसका मॉड हाफ से ज्यादा बोल रहा हूँ, तो इसी के अंदर अगर मैं बी माइनस ए भी लिख लूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड है ना, तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा। तो देयर फोर आई कैन से बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो सिमेट्रिक भी है ये, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है ये। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा जा रहा है कि रेंज ऑफ फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये रूट के अंदर जो टर्म है वो एक पॉजिटिव या फिर ज्यादा ज्यादा जीरो हो जाए, निगेटिव तो ना हो कम से कम, तो वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई 3 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो ये बन जाएगा एक्स माइनस पाई बाई 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा एक्स प्लस पाई बाई 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर नंबर लाइन पे देखें तो ये है माइनस पाई बाई 3 और ये है पाई बाई 3, तो एक्स की जो वैल्यू होगी इनके बीच में ही लाई करेगी क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल था। बट सिर्फ इतने से अब काम नहीं चलेगा, हमें इसी बात को लिख लेना है कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 3 टू पाई बाई 3। अगर हमें ये रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू मेंटेन करना है या जीरो वैल्यू मेंटेन करना है, तो कम से कम निगेटिव को अवॉइड करना है। तो अभी हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, जैसे ही स्क्वायर करेंगे वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो से तो पॉसिबल लेस होना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए अब ये चेंज हो गया, जीरो से एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 9 हो गया। लेकिन रूट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो जरा माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और इनइक्वालिटी का जो साइन है वो फिर से चेंज हो गया, इधर बन जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 9। अब पाई स्क्वायर बाई 9 ऐड कर देते हैं, तो पाई स्क्वायर बाई 9 जैसे ही ऐड करेंगे ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा और इधर हो जाएगा जीरो। अब रूट का पहनावा यहाँ पे पहना देते हैं, आप देखो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे ये आ जाएगा पाई बाई 3 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब टैन की जरूरत है बस, तो दोनों तरफ हम टैन यूज कर लेंगे हर तरफ, तो टैन पाई बाई 3 ये आ गया टैन स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया ग्रेटर देन टैन ऑफ 0। इसका मतलब ये जो बीच का टर्म है दैट इज नथिंग बट वाई, और टैन पाई बाई 3 क्या होता है रूट 3, और टैन 0 क्या होता है 0, इसका मतलब वाई का वैल्यू 0 से रूट 3 के बीच में होगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंजेक्टिव मैपिंग। तो इंजेक्टिव मैपिंग का क्या मतलब होता है कि हमारे पास अगर एक एक्स वन इनपुट है एक एक्स टू इनपुट है तो दोनों पे अलग अलग आउटपुट आए, ऐसा ना हो कि कहीं पे एक्स वन पे भी यही आउटपुट आ रहा हो और एक्स टू पे भी यही आ रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो बेसिकली इसका मतलब एक्स वन एक्स टू सेम होना चाहिए, एक ही इनपुट पे वो आउटपुट होना चाहिए, अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा हो तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा वो। सो दिस इज मेनी वन फंक्शन, जबकि ऐसे मैपिंग होना चाहिए कि एक्स वन पे कुछ वाई वन आ रहा हो चलेगा, एक्स टू पे वाई टू आ रहा हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये अपना वन वन का एग्जाम्पल दिया मैंने, तो अगर फर्स्ट फंक्शन देखा जाए तो इसमें अगर मैं एफ वन पुट करता हूँ तो वन का स्क्वायर प्लस टू 3 आ जाएगा, और अगर मैं एफ माइनस वन भी लिखता हूँ, माइनस वन भी पुट करता हूँ, तो माइनस वन का स्क्वायर होगा वन, वन प्लस टू कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब वन और माइनस वन दोनों पे ये तो मेनी वन हो गया, तो ऑप्शन ए तो गलत है, इंजेक्टिव हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि वन वन का ही मतलब होता है इंजेक्टिव मैपिंग, ये इंजेक्टिव था। ऐसे ही एफ एक्स मॉड के अंदर एक्स प्लस टू लिखा हुआ है, तो अगर वन लिखता हूं तो ये आ जाएगा 3, और यहीं पे अगर मैं माइनस फाइव भी लिखता हूं ना तो भी वो मॉड के अंदर माइनस फाइव प्लस टू बनेगा, और इसका मतलब माइनस 3 का मॉड और फिर से 3 आ गया, तो जो वन पे वैल्यू आ रही थी वही माइनस फाइव पे भी आ रही है, तो फिर से ये गलत हो गया, इंजेक्टिव मैपिंग नहीं हो सकता। यही हाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में भी है। अगर मैं एफ ऑफ यहाँ पे कुछ वैल्यू रख के कोशिश करूं, लेट सपोज 6 रखता हूँ, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में होगा 6 माइनस 5 तो ये आ जाएगा 2। और यहीं पे अगर मैं एफ ऑफ लेट सपोज कुछ ऐसा वैल्यू रखते हैं जहाँ पे सेम नंबर आने के चांसेस हो, तो अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ लेट सपोज, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 और 3 माइनस 5, तो आप खुद ही देख लो ये 3 माइनस 4 -1 हुआ, यहाँ से -2 फिर से 2 आ गया, तो 6 पे जो वैल्यू आया वही 3 पे आ गया, तो ये भी इंजेक्टिव मैपिंग नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यही हो सकता है, बाकी तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए, सीधे सीधे एग्जाम्पल से पता चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14th की तरफ। 14th में हमारे पास एक फंक्शन दिया है 5 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 टू द पावर x, और हमें बताना है एफ ऑफ 1/20 प्लस एफ ऑफ 2/20 प्लस ऐसे करते करते हमें एफ ऑफ 39/20 तक देखना है। तो यहाँ पे ये डॉट डॉट डॉट
क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है 5 पे पावर एक्स बाई 5 प्लस 5 पे पावर एक्स, देन हमें बताना है एफ ऑफ 1 बाई 20 प्लस एफ ऑफ 2 बाई 20 ऐसे करते करते डॉट 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 एफ ऑफ 39 बाई 20 तक की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, ये मान के चलें कि एक्स का वैल्यू 1 बाई 20 है, ठीक है, एक एक्स का वैल्यू, तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो 2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस 1 बाई 20 ये हो जाएगा 40 माइनस 1, 39 बाई 20। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है इसमें यही रिलेशन है कि अगर ये एक्स है तो ये लास्ट वाला वैल्यू क्या है, बेसिकली इट इज नथिंग बट 2 माइनस एक्स। ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप नेक्स्ट वैल्यू देखो 2 बाई 20, तो आगे से सेकेंड वैल्यू 2 बाई 20 अगर एक्स का वैल्यू लेते हैं तो पीछे से मतलब लास्ट टर्म से अगर आए तो उधर से भी जो सेकेंड वाला टर्म होगा वो 2 माइनस एक्स क्या होगा। आपको क्या लग रहा है 39 से पहले क्या आता है, 38 आता है, तो 38 बाई 20 रहना चाहिए। तो आप कैलकुलेट करके देख भी लो उतना ही आएगा, 2 माइनस 2 बाई 20 ये आ गया 38 बाई 20, राइट। इसका मतलब ऐसे करते करते पेयरिंग बनेगी और सिर्फ बीच में एक ऐसा टर्म बचेगा, जैसे एफ ऑफ 19 तक तो ऐसे ही बनेगा कि अपने पास एफ ऑफ 1 वाला 39 से एसोसिएटेड हो गया, करेक्ट। एफ ऑफ 39 वाला, मैं ये डिनोमिनेटर 20 नहीं लिख रहा हूँ, वो हर जगह पे है, तो ये जैसे 139 से हो गया, ऐसे ही 2 जहाँ पे वो 38 से एसोसिएटेड होगा, फिर 3 वाला अपना 37 से होगा, ऐसे करते करते हम लोग जब जाएंगे तो बीच में कहीं यहाँ पे 20 होगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो अलग से एक वैल्यू रहेगा, बाकी सब तो सेम टू सेम वैल्यू है एक तरीके से देखे तो, आई मीन 2 माइनस एक्स के फॉर्मेट में सेम टू सेम अभी तो नहीं बोल सकते। अब जरा कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर 5 पे पावर एक्स है बाई 5 प्लस 5 पे पावर एक्स है, तो ये 2 माइनस एक्स का जो पैटर्न बन रहा है जरा वो देखते हैं, व्हाट इज एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। तो ये 5 पे पावर हो जाएगा 2 माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 5 पे पावर 2 माइनस एक्स। तो अब जरा इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 स्क्वायर का वैल्यू 25 और ये जो माइनस एक्स था उसका मतलब नीचे आ गया 5 पे पावर एक्स, ऐसे ही नीचे भी कर सकते हैं, ये आ गया 25 बाई 5 पे पावर एक्स, यानी ये आ गया 25 बाई 5 पे पावर एक्स तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 5 पे पावर एक्स प्लस ये आ गया 25, ऐसे हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो फिर से 5 से ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर दें तो ये आ गया 5 और ये आ गया 5 पे पावर एक्स प्लस 5, राइट और नॉट, ये जरा क्लियरली इसको लिख लिया जाए, ये अपने आ गया 5 पे पावर एक्स। तो ये तो वही चीज आ गया जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इसका मतलब ये एफ एक्स के ही इक्वल आ गया। और अगर ऐसा है तो अब हम लोग जरा, क्योंकि एंड की दो वैल्यूज अगर हम देखें, ये और ये सेम है, एफ 1 बाई 20, एफ 39 बाई 20, और इसी तरीके से 2 और 38 वाला वैल्यू सेम होगा। तो अगर ये वैल्यूज एडिशन में है ना सारा कुछ, तो अगर हम लोग ऐड ही करें एक सेट ऑफ वैल्यू को, जैसे एफ ऑफ 1 बाई 20 प्लस एफ ऑफ 39 बाई 20, एक सेट की वैल्यूज को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या ऐड कर रहे हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स ही तो ऐड कर रहे हैं। तो जरा एक सेट का वैल्यू निकाल के देखते हैं, तो ऐसा करेंगे अगर, तो ये आ गया 5 पे पावर एक्स बाई 5 प्लस 5 पे पावर एक्स, और ये एफ ऑफ 2 माइनस एक्स क्या आया है, ये बेसिकली इक्वल टू एफ एक्स तो नहीं लिख सकते, है ना, यहाँ पे आप ध्यान दो, ये इक्वल टू एफ एक्स लिख दिया मैंने, इक्वल नहीं है, यहाँ पे 5 पे पावर एक्स है एफ एक्स में, और एफ ऑफ 2 माइनस एक्स में सिर्फ 5 बाई 5 पे पावर एक्स प्लस 5 है। तो अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं प्लस 5 बाई 5 पे पावर एक्स प्लस 5, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये बन जाएगा 5 पे पावर एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर एक्स प्लस 5, कैंसिल आउट होकर के आ गया 1। यानी ऐसे जो पेयरिंग बनाते चले जाएंगे वो बीच का जो 20 नंबर था एक उसको छोड़ करके 19 पेयर्स बनेंगे, 19 पेयर्स जहाँ पे जिनका समेशन क्या आएगा 1 आएगा, तो उससे तो आ गया 19 आंसर। तो 19 प्लस देयर फोर 19 प्लस एफ ऑफ वो एक बीच में जो 20 बाई 20 आएगा वो बचेगा, तो ये आंसर क्या आ गया 19 प्लस एफ ऑफ 1। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम लोग एक्स की जगह पे 1 रख दें, है ना, तो एक्स की जगह पे 1 रख दें तो ये आ गया एफ ऑफ 2 माइनस एक्स कर रहे थे तो 2 माइनस 1 और ये आया था 1, तो बेसिकली आ गया 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गई 1 बाई 2। तो ये जरा इसमें पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा, एफ ऑफ 1 बाई 20 प्लस ऐसे करते करते एफ ऑफ 39 बाई 20 तक अगर जाएंगे तो 19 प्लस एफ ऑफ 1 की वैल्यू 19 प्लस 1 बाई 2 आ गई, और ये अगर करेंगे तो आएगा 39 बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में नंबर ऑफ निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 में द नंबर ऑफ निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टू टू द पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस टू इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू टू टू द पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस फोर प्लस टू टू द पावर एक्स माइनस वन। इतना बड़ा एक इक्वेशन गिवन है, इसमें हमें कितने निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे ये पता करना है। सो मॉड की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्स माइनस थ्री और मॉड हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक्स माइनस थ्री नॉर्मली लिख सकता हूँ अगर एक्स की वैल्यू थ्री या थ्री से ज्यादा है, बट अगर वो थ्री से कम है तो माइनस साइन के साथ ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री वेन एक्स इज लेस देन थ्री। तो इन्हीं केसेस को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो केस वन, अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, तो उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहा हूँ टू टू द पावर एक्स माइनस थ्री प्लस टू, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू टू टू द पावर एक्स माइनस थ्री प्लस फोर प्लस टू टू द पावर एक्स माइनस वन। तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू टू टू द पावर एक्स माइनस वन, इधर बनेगा एक्स क्यूब टू टू द पावर एक्स प्लस वन, और फिर से यहाँ बन जाएगा टू टू द पावर एक्स माइनस वन। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है उसमें एक्स क्यूब डॉट करके लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा टर्म इसमें एक्स क्यूब ऐसे मल्टीप्लाइड है ना, वो चीज जो है क्लियर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट एक्चुअल में रहना चाहिए, बट जो क्वेश्चन सेट है वो इसी तरीके से सेट है, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्टी होगा आपको सॉल्व करने में। तो यहाँ पे जब हम लोग पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तब जा करके ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन सकता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डॉट टू टू द पावर एक्स माइनस वन, और ये हो गया एक्स क्यूब, इस टू टू द पावर एक्स प्लस वन को भी मैं टू स्क्वायर अलग कर दूंगा अगर, तो ये टू टू द पावर एक्स माइनस वन बच जाएगा, और प्लस एक्स क्यूब टू टू द पावर एक्स माइनस वन फिर से। तो ये जो टर्म है टू टू द पावर एक्स माइनस वन, जब थ्री से ग्रेटर हमने सेलेक्ट किया है ना वैल्यू, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए कोई नंबर ही होगा और वो नंबर हम लोग इजिली कैंसिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल फिर हम लोग एक्स स्क्वायर भी अगर देखें दोनों साइड पे तो इजिली कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर कोई ना कोई नंबर होगा ग्रेटर देन थ्री में, तो वो एक्स स्क्वायर भी हम कैंसिल कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग एक्स स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ पे बचेगा फोर एक्स, यहाँ पे बचेगा प्लस एक्स, डायरेक्टली प्लस एक्स बचेगा। सो दिस एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो कैंसिल्ड, और आई कैन से कि हमारे पास बचा क्या, यहाँ से बचा एक और चीज, ये जो टू स्क्वायर था और ये एक्स क्यूब था, बिल्कुल सही है। तो ये फाइव एक्स हमारे पास बच गया था एंड दैट इज इक्वल टू वन, और आई कैन से एक्स इज इक्वल टू वन बाई फाइव। लेकिन ये सॉल्यूशन तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वी वी आर वर्किंग इन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, तो यहाँ से तो कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला नहीं। अब बारी आती है केस नंबर टू की, कि अगर मॉड एक्स माइनस थ्री को हम लोग माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री से सब्सटीट्यूट करें जहाँ पे एक्स का वैल्यू लेस देन थ्री है, तो क्या मिलेगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर टू टू द पावर, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स और प्लस थ्री, ठीक है ये ब्रैकेट ओपन होगा तो, और प्लस टू। ऐसे ही राइट साइड में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इंटू टू टू द पावर माइनस एक्स प्लस थ्री प्लस फोर, और प्लस हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू टू टू द पावर एक्स माइनस वन। तो अगर इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो बनेगा एक्स स्क्वायर टू द पावर इंटू टू टू द पावर, ये आ गया फाइव माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा एक्स क्यूब टू टू द पावर सेवन माइनस एक्स, और प्लस एक्स क्यूब टू टू द पावर एक्स माइनस वन। तो ये रीअरेंजमेंट हमने कर लिए। अब एक्स स्क्वायर जो टर्म है वो अगेन कोई ना कोई नंबर होगा एक्स लेस देन थ्री में, तो उसको तो हटा सकते हैं। तो बचा क्या, टू टू द पावर फाइव माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू टू टू द पावर सेवन माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू टू टू द पावर एक्स माइनस वन। अब ये टर्म्स हमारे पास बच गए हैं सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम लोग राइट साइड में ऑब्जर्व करें तो इसमें से एक्स इंटू टू टू द पावर एक्स माइनस वन है और ये है टू टू द पावर सेवन माइनस एक्स। तो अगर मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो टू टू द पावर सेवन माइनस एक्स बचेगा प्लस टू टू द पावर एक्स माइनस वन इस तरीके से बचेगा, और इधर बचेगा टू टू द पावर फाइव माइनस एक्स। अब इसके सॉल्यूशन को कैसे डिस्कस करें,
उसके लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स लेस देन थ्री है ना, तो एक्स लेस देन थ्री में निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की अगर हम लोग बात करने जाएंगे, तो कोई भी निगेटिव इंटीग्रल अगर मैं पुट करता हूँ, लेट सपोज मैंने एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट किया, तो ये बनेगा टू टू द पावर सिक्स, यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस साइन, और ये बन जाएगा टू टू द पावर एट, और ये बन जाएगा टू टू द पावर माइनस टू, जो कि अगेन एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पॉजिटिव, ये वाला पूरा टर्म पॉजिटिव, लेकिन एक माइनस साइन आ गया। ऐसे ही माइनस टू पुट करेंगे तो वैल्यू कुछ भी है, बट यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, और पॉजिटिव निगेटिव तो सेम हो नहीं सकता, इसका मतलब निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आएगा ही नहीं इस केस में भी। सो करेक्ट आंसर होगा जीरो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, जो कह रहा है कि फंक्शन जो कि आर से माइनस हाफ हाफ इंटरवल तक डिफाइंड है, और फंक्शन की वैल्यू गिवन है एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन वन और वन टू में हमें आइडेंटिफाई करना है। तो वन वन फंक्शन का जो मेन रूल होता है, दैट इज कि अगर हमने दो इनपुट एज्यूम किया एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और उसको सॉल्व किया, तो बाद में ये पता लगेगा कि एक्स वन और एक्स टू बिल्कुल सेम ही थे, अलग अलग इनपुट पे सेम आंसर नहीं आ सकता, अदरवाइज वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो जो भी इनपुट हम लोग ले रहे हैं एक्स वन एक्स टू, अगर हम मान के चल रहे हैं कि उनका वैल्यू सेम है, तो इनपुट वैल्यू भी सेम ही रहा होगा, तो उस तरीके से सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा एक्स वन बाई एक्स वन स्क्वायर प्लस वन, इधर आ जाएगा एक्स टू बाई एक्स टू स्क्वायर प्लस वन। तो अगर हम इसको रीअरेंज करके सॉल्व करें, तो ये आएगा एक्स वन एक्स टू होल स्क्वायर प्लस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर एक्स टू प्लस एक्स टू, ये बन गया अपने पास। तो ये जरा स्क्वायर वाले टर्म्स को इधर लेके आते हैं, और उसमें से एक्स वन एक्स टू कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा एक्स टू, और ये इधर आया होगा, तो यहाँ से बच गया कॉमन एक्स वन, करेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन। हमारे लिए तो ये इनपुट क्या थे, डिफरेंट थे, करेक्ट, बट अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, हम लोग अगर ऐसे इसको कैंसिल आउट भी करते हैं, तो कैंसिल आउट करने का मतलब क्या कि एक्स वन एक्स टू अलग अलग थे ना, सेम रहा होता तो जीरो जीरो तो कोई कैंसिल कर नहीं सकता दोनों साइड से इस तरीके से। तो अगर कैंसिल हो रहा है, तो उस केस में एक्स वन एक्स टू जो हमने वैल्यू कॉमन लिया था, उसका वैल्यू क्या आ गया, वन आ गया, एक्स वन एक्स टू आ गया वन, यानी एक्स वन इज इक्वल टू वन बाई एक्स टू आ गया हमारे पास। तो यानी इनपुट जो है वो सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग ही आ रहा है, देयर फोर हम बोल सकते हैं कि नॉट वन वन, ये वन वन फंक्शन तो नहीं है, और नॉट वन वन है तो अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, सी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, क्योंकि बोथ वन वन लिखा हुआ है, तो दो ऑप्शन तो इतने काम करने से ही हो गया। अब बात आती है कि ऑन टू के बारे में कैसे डिस्कशन करें, तो ऑन टू फंक्शन के लिए जो कंडीशन है, दैट इज रेंज हमारा कोडोमेन के इक्वल हो जाता है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन तो डायरेक्ट गिवन रहता है भाई क्वेश्चन में, ये आर के बाद जो भी ये पूरा का पूरा सेट गिवन है, इंटरवल गिवन है बेसिकली, तो ये हमारा कोडोमेन होता है, तो सिर्फ रेंज फाइंड करने पता चल जाएगा कि सेम आ रहा है कि नहीं। तो इस फंक्शन को हम लोग लिख लेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तो एक्स स्क्वायर वाई, ये राइट हैंड साइड के एक्स को भी इधर लेके आ गया, और प्लस वाई इक्वल टू जीरो, पूरा सॉल्व कर लिया, रीअरेंज कर लिया। तो यहाँ से अगर इसको एज ए क्वाड्रेटिक ट्रीट करते हुए एक्स का वैल्यू लिखना चाहेंगे, तो ये आएगा वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, हमारे पास आ जाएगा वन माइनस फोर ए सी करते हैं, तो ये आ गया डिवाइडेड बाई टू। अब एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स यहाँ से पिक किया जाता है रियल नंबर से, ये डोमेन होता है फंक्शन का, तो वो तो रियल आना चाहिए ना, क्योंकि रियल नंबर है तो रियल ही आना चाहिए, और रियल तो तब आएगा ना जब वन माइनस फोर वाई स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, नहीं तो रूट के अंदर ही निगेटिव हो जाएगा। और आई कैन से कि टू वाई स्क्वायर या बेसिकली टू वाई का होल स्क्वायर माइनस वन, ये लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मैंने निगेटिव से मल्टीप्लाई किया, और ये जरा नंबर्स को स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लिया, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट, तो ये आ गया टू वाई माइनस वन, टू वाई प्लस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो नंबर लाइन पे अगर देखें तो माइनस हाफ और हाफ के बीच में ही सोल्यूशन लाई करना चाहिए, और इक्वल टू भी है, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी इंटरवल गिवन था वो सेटिस्फाई हो रहा है। सो डेफिनेटली ये वन वन नहीं है, बट क्या है, ऑन टू है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन, ऑन टू बट नॉट वन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी वन 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 टू के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो ए से बी डिफाइंड है, यानी कि कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, जीरो से वन कोई भी एक्स का वैल्यू ले सकते हैं, और जो वाई का वैल्यू आएगा वो टू से फाइव के बीच में ही आना चाहिए, ये इस तरीके से डिफाइंड है। और फंक्शन का जो वैल्यू गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, वो दिया है थ्री एक्स प्लस टू,
तो अगर वन वन की बात करें तो सेम रूल हम अप्लाई कर लेंगे वन वन के लिए। क्या करेंगे, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ये मान के सॉल्व करेंगे, और अगर एक्स वन एक्स टू सेम आ गया तो इसका मतलब फंक्शन वन वन है, अदरवाइज नहीं है। तो ये थ्री एक्स वन प्लस टू लिखा, इधर इधर लिख सकते हैं थ्री एक्स टू प्लस टू, करेक्ट। तो टू और टू कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, थ्री एक्स वन इक्वल टू थ्री एक्स टू, और डेफिनेटली एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, देयर फॉर आई कैन से इट इज वन वन। तो वन वन फंक्शन तो है, तो जहां जहां पे नॉट वन वन है वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो बी और डी तो गलत हो गया। ए और सी में से अब कोई एक ऑप्शन होगा, तो उसके लिए हमें ऑन टू चेक करना पड़ेगा। ऑन टू कैसे चेक करते हैं, ऑन टू फंक्शन के केस में हमें फंक्शन का रेंज निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है कोडोमेन, और ऑन टू का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि कोडोमेन और रेंज ऑन टू फंक्शन के लिए क्या हो जाते हैं, सेम। सो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो अभी इस फंक्शन का रेंज कैसे निकाले, हमारे पास जो एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू है उसको लिख सकते हैं वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू। तो ये एक लीनियर फंक्शन है, और सिंस अगर आप ध्यान से देखो तो फंक्शन डिफाइंड कैसे है, जीरो से वन। तो जीरो पे फंक्शन की जो वैल्यू है, एक तरीके से ये थ्री एक्स प्लस टू एक लाइन का इक्वेशन हो गया ना, तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, प्लॉट करने की कोशिश करें, तो एक्स जब जीरो रहा होगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा, टू कहीं यहाँ पे होगा, और जब एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइव। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कहीं यहाँ पे, जब एक्स इक्वल टू वन रखेंगे तो वाई की वैल्यू बढ़ के कुछ फाइव हो जाएगी, ये हो गया 1.5। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना इस तरीके से, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका जो रेंज होगा बेसिकली वो तो क्लियर कट दिख रहा है ना इसके ऊपर, कि हाँ जब एक्स का वैल्यू जीरो है तो वाई का वैल्यू क्या है, टू, और एक्स का वैल्यू जब वन है तो वाई का वैल्यू क्या है, फाइव। और इससे ज्यादा भी आगे हम जा सकते हैं, और इस जीरो वाले वैल्यू से जो जहाँ पे एक्स जीरो है उससे भी नीचे जा सकते हैं, बट परमिटेड नहीं है एक्स की वैल्यूज। एक्स की वैल्यूज तो हम जीरो और वन के बीच में ही ले सकते हैं ना, तो इसीलिए मैंने एक्स इक्वल टू सिर्फ जीरो लिया, तो उस पर वाई का वैल्यू क्या आया, टू, और एक्स इक्वल टू वन लिया तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, फाइव। तो इसका मतलब जो हमारा रेंज है वो इस गिवेन इंटरवल के लिए यही है। सो वाई मिनिमम टू और वाई मैक्सिमम कितना हो सकता है, फाइव। तो हमारा जो रेंज होगा वो 2.5 इंटरवल ही होगा, दिस इज आवर रेंज, यही हमारा रेंज है, और कोडोमेन भी यही था। तो ये एक ऑन टू फंक्शन भी है, सो ऑन टू भी है, वन वन भी है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, वन वन एंड ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशंस इन द रियल नंबर्स, द रेंज ऑफ आर वन यूनियन आर टू हमें फाइंड करना है। तो आर वन हमारे पास एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर्स गिवन है, जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 25 है, और आर टू भी गिवन है वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x2/9। तो पहला वाला रिलेशन तो एक सर्किल है जिसके ऊपर पॉइंट्स रहने चाहिए या फिर उसके इंटीरियर में। तो अगर हम लोग ड्रॉ करें एक सर्किल जिसका सेंटर 0, 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसलिए सेंटर तो पक्का है कि 0, 0 होगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो जो सर्किल बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस इज आवर सर्किल, और सेंटर 0, 0 है, ये पॉइंट हो जाएगा 5.0, ये पॉइंट हो जाएगा 0.5, ये हो गया 0-5, ये हो गया अपना, दिस इज नॉट 0-5 बट -5.0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, यहाँ पे होगा 0.-5। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। और अगर हम लोग बात करें इसके अलावा सेकेंड वाले केस में, तो ये कुछ हमारा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4x2/9 है, तो इसको तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर से बड़ा क्या है, 9/4y। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एक पैराबोला होता है कि नहीं, और ये पैराबोला कैसे बनता है, ये ऊपर की तरफ ऐसे करके बनता है इस टाइप से, ये एक पैराबोला होता है। बट इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ये जो इनइक्वालिटी के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पे इक्वल टू तो दिया नहीं था, सिंस लेस देन और इक्वल टू दिया हुआ था, इसका मतलब या तो पैराबोला के ऊपर पॉइंट्स लाई करेंगे, या फिर इस केस में पॉइंट्स किस तरीके से लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सर्किल वाले पोर्शन को देखें, तो ये वाई की वैल्यू -5 से 5 तक ही जा सकती है, राइट और नॉट। तो अगर मैं आर वन की बात करूँ, तो जो वाई का वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का इनक्वालिटी का साइन है आर वन में, तो ये बाहर कोई पॉइंट नहीं हो सकता, सर्किल के अंदर कहीं भी पॉइंट हो सकता है, चाहे सर्किल के अंदर कहीं भी पॉइंट हो, जो y का वैल्यू है वो तो -5 से 5 के बीच में ही रहेगा। y बिलोंग्स टू
-5 से 5 तक। लेकिन वही अगर ये ग्रीन जो पैराबोला टाइप का आपको दिख रहा है उसमें अगर आप देखो तो वाई का वैल्यू 0 से नीचे आएगा ही नहीं और वो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में जो वाई का वैल्यू होगा वो बिलोंग करेगा 0 से इनफाइनाइट तक। लेकिन जो क्वेश्चन है वो है रेंज ऑफ R1 यूनियन R2, तो उसका रेंज क्या हो जाएगा, यानी दोनों को मिला करके रेंज ऑफ R1 यूनियन R2, तो या तो R1 में लाई करे या तो R2 में लाई करे, तो उस पर्टिकुलर केस में ये बन जाएगा -5 से इनफाइनाइट तक। करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फंक्शन एफ एक्स इज गिवेन x³ + x² + 100x + 7 sin x, देन द इक्वेशन, ये इतना बड़ा इक्वेशन गिवेन है, ये इसके रूट्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। फोर ऑप्शंस यहाँ पे गिवेन है, तो एक काम करते हैं सबसे पहले तो फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव लिख लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज इतना बड़ा फंक्शन है उसमें हम लोग F1, F2, F3 की वैल्यू भी निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 2 पुट करेंगे तो साइन 2 का टर्म आएगा, अब साइन 2 की वैल्यू क्या है हमें क्या पता, है ना, मैनुअली तो नहीं कर सकते। तो इसलिए f' अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा 3x² + 2x + 100x था तो वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 7cos x। करेक्ट, अब अगर इसमें ऑब्जर्व करें तो ये 3x² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कॉस एक्स निगेटिव हो सकता है लेकिन -1 से ज्यादा निगेटिव नहीं हो सकता, तो ज्यादा से ज्यादा 100 में से -7 ही तो सब्ट्रैक्ट होगा, है कि नहीं। और यहाँ पे 2x का वैल्यू है, ठीक है, 2x का वैल्यू है हमारे पास, तो ये 3x² + यहाँ पे 2x + 100 + 7cos x, ये कुछ भी कर ले ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो फंक्शन का है वो पॉजिटिव ही आएगा, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो उस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि x निगेटिव पुट कर दे तो एक निगेटिव टर्म होके भी क्या कर लेगा, जब 3x² वो पॉजिटिव है, 100 पॉजिटिव है, तो वो सब ओवरऑल मिला के पॉजिटिव ही कर देगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन जो है वो एक इंक्रीजिंग नेचर का है, वन वन फंक्शन हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है, इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो उसमें से अगर f′(x)<0) निकल जाए तो हम बोलते हैं वैसे ही इंक्रीजिंग फंक्शन। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अब हम लोग मान सकते हैं कि लेट सपोज f1 का वैल्यू ए है, f2 का वैल्यू बी है और f3 का वैल्यू सी है, ऐसा अगर हम लोग एज्यूम कर लें तो इतना पक्का है कि इस ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सिंस ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, जैसे ही 1 2 3 हम लोग कर रहे हैं तो आउटपुट जो आंसर आ रहा है वो भी कुछ इस तरीके से आएगा, ए से बड़ा होगा बी, बी से बड़ा होगा सी। अब जो ये इक्वेशन का रूट हमसे पूछा जा रहा है कि उसका रूट कहाँ पे लाई करेगा, उसकी अगर चर्चा करें तो वो बन जाएगा 1/y - f1 का वैल्यू ए है +2/y - f2 का वैल्यू बी है +3/y - c है एंड दैट इज इक्वल टू 0। और अगर इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें, तो ये बनेगा y - b y - c +2 times of y - a y - c और +3 times of y - a y - b दैट इज इक्वल टू 0। वो पूरा पूरा डिनोमिनेटर टर्म राइट साइड में जाके 0 से मल्टीप्लाई हो चुका रहेगा। अब इसमें ये जो लेफ्ट साइड का टर्म है इसका रूट्स ही अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो ओवरऑल जो क्वेश्चन में पूछा है उसके रूट्स के बारे में भी आइडिया लग जाएगा। तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कुछ फाई फाई ऑफ वाई, क्योंकि वाई का फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे अब कैलकुलेट कर लेता हूँ कुछ वैल्यूज, जैसे कि फाई ऑफ ए कैलकुलेट करें, अगर फाई ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, a - b a - c, बाकी सब 0 हो गया। ऐसे ही फाई ऑफ बी अगर कैलकुलेट कर लेता हूँ तो फाई ऑफ बी का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर केस में पहला टर्म ये 0 हो जाएगा b - b और लास्ट टर्म भी 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2b - a b - c। और फाई ऑफ सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसमें पहले दो टर्म 0 हो जाएंगे, लास्ट का टर्म बचेगा 3 times of c - a c - b। अब इन सभी वैल्यूज का साइन हमें पता चल गया, जैसे a सबसे छोटा है तो a - b भी निगेटिव होगा, a - c भी निगेटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। b - a अगर करते हैं तो b - a पॉजिटिव है लेकिन b - c निगेटिव है, तो ये आ गया निगेटिव। c - a c - b तो पॉजिटिव हुआ क्योंकि c सबसे बड़ा नंबर था और a b c इंक्रीजिंग नेचर के थे, तो इसका मतलब अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं a b और c इस तरीके से, तो a पे फंक्शन का वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव बेसिकली, राइट, नॉट निगेटिव पॉजिटिव। और अगर हम लोग बात करें बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो बी पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव थी तो कहीं निगेटिव नीचे लाई कर गई,
और सी का जो वैल्यू है सी पॉइंट के ऊपर वो फिर से पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये ग्राफ कहीं ना कहीं बीच में तो दो बार कट करेगा ही करेगा। तो दो बार कट करने का मतलब दो रूट्स तो आएंगे ही, तो एग्जैक्टली वन रूट जो बोल रहा है वो, ये सब तो बेसिकली गलत हो गया। सिर्फ हमारे पास बोथ रूट्स लाइंग इन F1 एंड F2। वाई F1 F2? बिकॉज ए और सी के बीच में ही तो लाई कर रहा है, बट F1 F2 बोला है, जबकि हमारा F2 वैल्यू जो है वो बी है। तो हमें सारे ऑप्शंस एक बार थोड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे। ये बोथ रूट्स लाइंग इन F1 F2 बोल रहा है, तो बोथ रूट्स तो F1 F2 के बीच में लाई करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ये बी के बाद भी कट कर सकता है। तो एक्चुअल में ऑप्शन ए भी गलत है। तो ये जरा बी सी और डी को हमें एक बार ध्यान से कट करने से पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वन रूट लाइंग इन F2 F3, इस बात को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन F2 F3 मतलब बी और सी के बीच में एग्जैक्टली वन रूट होगा ऐसा वो बोल रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, बी पे निगेटिव था ना और सी पे पॉजिटिव, तो एक बार तो बीच में जाके उसको क्रॉस करेगा ही। बी ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा जल्दीबाजी में हम लोगों ने गलत ऑप्शन तुरंत से एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, एक बार प्रॉपरली सारे ऑप्शंस को रीड करना चाहिए। सी ऑप्शन क्यों गलत होगा? क्योंकि उसमें बोला जा रहा है एग्जैक्टली वन रूट लाइंग इन माइनस इन्फिनिटी टू F1। तो माइनस इन्फिनिटी और F1 के बीच में तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते ना, माइनस इन्फिनिटी कहीं साइड होगा, तो एग्जैक्टली वन रूट होगा कि और ज्यादा होगा और कम होगा वो कमेंट नहीं कर सकते अभी। ऐसे ही वो बोल रहा है F3 और इन्फाइनाइट, तो F3 तो सी है, तो सी के आगे इन्फाइनाइट तक एग्जैक्टली वन रूट होगा कि नहीं वो तो हम नहीं कमेंट कर सकते, हमने तो सिर्फ ए बी सी पे कैलकुलेट किया है। तो इसलिए ये ऑप्शंस गलत हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन बताना है। तो पहले रेंज के लिए ये ब्रैकेट वाला टर्म इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो अलग अलग जरा कर लेते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं साइन एक्स कॉस पाई बाई फोर, और माइनस लिख लेते हैं इसको कॉस एक्स, और इस बार 1/√2 को साइन के टर्म्स में लिख लेते हैं साइन पाई बाई फोर, और प्लस ये हो जाएगा 3 क्योंकि √2 √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये पूरे ब्रैकेट वाले टर्म को सिर्फ लिख रहा हूँ, और अगर ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व किया तो ये बन जाता है साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई फोर प्लस 3। अब हमें पता है कि जो साइन का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, -1 to +1 यही जा सकता है। तो इसका मतलब इस ओवरऑल ब्रैकेट का जो वैल्यू है, दिस इंटायर थिंग फ्रॉम हियर टू हियर, इसका वैल्यू कहां से कहां तक रेंज कर सकता है? -1 + 3 करेंगे तो 2 हो जाएगा, रेंजेस फ्रॉम 2, और +1 रखा तो 3 और 1 मिला के 4 हो जाएगा, फ्रॉम 2 to 4। तो अगर हम लोग रेंज की बात करें तो एफ एक्स को ही तो वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाई का वैल्यू मिनिमम कहां से कहां तक जा सकता है? log 2, और पूरे ब्रैकेट की जगह पे 2 आ सकता है, से ले करके उस पूरे ब्रैकेट की जगह पे 4 भी आ सकता है। तो log 2 of 2 क्या होता है? 1 होता है, और ये 4 को अगर हम 2 स्क्वायर लिख लें तो वो क्या हो जाएगा? log 2, ये 2 का स्क्वायर होगा और वो 2 इधर आ जाएगा, तो ये अगेन 1 हो गया। तो 1 से 2 आंसर हमारा लाई करेगा, जो भी रेंज है या वाई की वैल्यू है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। चलते हैं 21 क्वेश्चन में। कहा जा रहा है कि द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इनइक्वालिटी x-2a-3/x-a+2 इज लेस देन 0 इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू। तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवेन है, पर प्रॉब्लम यह है इस क्वेश्चन में कि इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू नहीं निकालने वाले। हमसे पूछा गया वैल्यूज ऑफ ए वो किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, तो ये सारा का सारा ऑप्शन इंटरवल ऑफ ए है, बट यहाँ पे सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया गया कि इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू। तो जब तक कि एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई वो किस इंटरवल में बिलोंग करे, तब तक हम इसको सॉल्व करके ए के बारे में नहीं बता सकते। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। हाँ, अगर कुछ यहाँ पे वैल्यू गिवन रहता तब हम सॉल्व कर सकते थे। तो मैं बस इस क्वेश्चन का आपको आइडिया देके छोड़ रहा हूँ। द रीजन इज कि यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि ये किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। तो सपोज यहाँ पे कुछ सी कॉमा डी वैल्यू होता, अगर कुछ गिवन रहता, तो हम लोग एक नॉर्मल नंबर लाइन प्लॉट करते इस तरीके से, इस इक्वेशन को इस तरीके से मेंशन करते कि x-2a+3/x-a-2 < 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज निकल के आता है एक्स का, अगर ऊपर वाले को और नीचे वाले को सेपरेट सेपरेट इक्वल टू 0 करें तो एक्स की वैल्यू आती 2a+3 और एक वैल्यू आती a-2। तो यही नंबर लाइन पे हम लोग दो केसेस एज्यूम कर सकते हैं, एक में a-2 इधर कर लेंगे और 2a+3 इधर कर लेंगे। और सिंस ये नंबर लाइन किसके लिए बन रहा है? एक्स की वैल्यूज के लिए, तो इसका मतलब एक्स यहाँ पे हो सकता है और दूसरा वैल्यू जो है एक्स का यहाँ पे हो सकता है, यानी हम बोले तो ये सी हो गया और ये हो गया डी। तो
करेक्ट और नॉट, ये जो जो भी गिवन वैल्यू होगा वो सी और डी यहाँ पे ले सकते हैं। फिर ये सी हो गया इस केस के लिए और ये डी हो गया इस केस के लिए। फिर एक एक करके इन इक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। पहली इन इक्वालिटी बन जाएगी 2a+3 > a-2, और फिर साथ साथ में और भी चीजों को सेटिस्फाई कराना होगा, जैसे कि हम लिख सकते हैं कि 2a+3 का वैल्यू डी से छोटा होगा, है ना, डी उससे ज्यादा ही है। ऐसे ही लिख सकते हैं कि a-2 का वैल्यू सी से ज्यादा होगा। तो ये तीनों मिला के जो सोल्यूशन आ जाएगा वो ए का एक पर्टिकुलर इंटरवल दे देगा। और सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड वाले केस से हम लोग बना सकते हैं कि इस बार a-2 > 2a+3 हो गया, और फिर लिख सकते थे कि a-2 का वैल्यू डी से छोटा है या 2a+3 का वैल्यू सी से ज्यादा है, और इनके बेसिस पे भी ए का वैल्यू कुछ निकल के आ जाएगा कौन से इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो मैंने मेथड आपको समझा दिया है, सिंस यहाँ पे वैल्यूज मेंशन नहीं है तो हम लोग करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये नहीं बता सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लेट ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। द एक्सप्रेशन, इतना बड़ा एक एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, -1 करके लिख रहा है कि एज्यूम्स द जीरो वैल्यू फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स, बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर एक एक करके मैं इसमें कुछ वैल्यूज पुट करूं, जैसे एक्स की जगह पे अगर ए पुट करता हूं तो ये पहला टर्म ही जीरो हो जाएगा, और ये वाला टर्म आप देख लो 1 हो जाएगा, करेक्ट और नॉट, क्योंकि ऊपर हो जाएगा a-b, a-c कट जाएगा वो, और ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा क्योंकि x-a है ना यहाँ पे ऊपर, तो वो a-a हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही a-a हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें x इक्वल टू बी पे, तो x इक्वल टू बी पे ये जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा, और ये वाला टर्म इस बार 1 हो जाएगा, करेक्ट और नॉट। और ऐसे ही x इक्वल टू सी पे बात करें तो इस बार ये वाला टर्म 1 हो जाएगा और बाकी के दो जीरो हो जाएंगे, राइट। और -1 हर जगह पे था तो -1 तो हम रखेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि तीन वैल्यूज तो साफ साफ दिख गई जहां पे ये टर्म जो है एज्यूम जीरो वैल्यू कर रहा है, तो ये ऑप्शन डी तो हटा ही सकते हैं कि सिर्फ एग्जैक्टली दो रियल वैल्यूज बोल रहा है, फिर बोल रहा है ऑप्शन ए में कि नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये दोनों ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। बचता है बी और सी कि मोर देन 3 रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, और सी बोल रहा है exactly 3 रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ऐसा लग सकता है कि सिर्फ तीन पे है और यही तीन वैल्यूज है, बट बी और सी में अभी कंफ्यूजन है। अगर आप ध्यान से एक बार जरा कुछ वैल्यू सेलेक्ट करके देखो कि सी का वैल्यू लेट सपोज 3 है, ठीक है, क्योंकि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, बी का वैल्यू 2 है और लेट सपोज ए का वैल्यू 1 है, तो उस हिसाब से अगर एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको शो करता हूँ इस बात को, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा अपने पास, x-1 x-2 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा x-2 x-c मतलब x-3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा x-3 x-1 अगेन, और डिनोमिनेटर जरा लिखते चलते हैं, c-a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, c-b की वैल्यू क्या होगी 1, ऐसे ही a-b की वैल्यू होगी 1 और a-c की वैल्यू होगी -2, और बेसिकली a-b की वैल्यू हम लोग लिख रहे थे तो ये -1 होगा, ठीक है, a-b -1, करेक्ट है। अब ऐसे ही यहाँ पे लास्ट में b-c करेंगे तो -1 आएगा, और b-a करेंगे तो 1 आ जाएगा अपने पास, तो b-c हमने किया ना, तो b-c पे -1 आएगा और b-a करने पे 1 आएगा। जरा एक और बार सारा डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं, c-a किया था तो 3-1 2, c-b किया था तो 3-2 1, ऐसे ही a-b करने पे अपने पास ये आया था, और लास्ट में टर्म -1 था, करेक्ट। इसमें अगर हम x इक्वल टू जीरो रख दें तो x इक्वल टू जीरो पे ऊपर क्या आ जाएगा, 2 2 बाई 2 कितना हो गया 1, प्लस यहाँ पे 6/2 हो जाएगा 3, 6/2 हो जाएगा 3, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 3 जबकि नीचे क्या था -3, तो ये -3 -1, आप देख लो ये वैल्यू भी जीरो आ गया। तो इसका मतलब अगर कोई ये c-a करके भी सॉल्व करने पे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। जस्ट इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने abc थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तीन वैल्यू ले लिया, जैसा कि क्वेश्चन में बोला भी जा रहा था कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो क्लियर कट पता चल रहा है कि abc उस पे तो जीरो आ ही रहा था, साथ साथ में x इक्वल टू जीरो पे भी आ गया, ऐसी और भी वैल्यूज हो सकती है, तो इतना तो पक्का है कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 3 से तो ज्यादा मिल गया ना, मोर देन 3 रियल वैल्यूज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी गिवेन है जिसको हमें सॉल्व करके बताना है, बट एक्चुअल में आपको एग्जाम में बहुत ही स्मार्ट तरीके से अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं तो इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप देखो नीचे डिनोमिनेटर में एक्स है, एक्स जीरो हो ही नहीं सकता, अगर एक्स जीरो हुआ तो समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो वो अनडिफाइंड फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है, और उस पर्टिकुलर केस में सॉल्यूशन बता पाना मुश्किल है क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्मेट
कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो आप देखो, तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे माइनस हाफ से हाफ के बीच में जीरो आ गया, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है कि जीरो सॉल्यूशन में लाई करें। ऐसे ही आप लास्ट ऑप्शन में देखो, -3 से 3 के बीच में जीरो पड़ता है कि नहीं, तो ए और डी तो इसी बात पे एलिमिनेट हो गए कि जीरो आ गया उसमें। अब आप कहोगे सर ठीक है, बाकी के दो ऑप्शंस में फिर कैसे डिसाइड करें? उसमें तो जीरो पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है, इसका मतलब जीरो को एक्सक्लूड करके चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप ऑब्जर्व करो तो बी और सी में डिफरेंस क्या है? बी में जो हाफ है उस पे ओपन है और सी में क्लोज इंटरवल है, यानी एक में हाफ इंक्लूड किया जा रहा है, एक में हाफ इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, या हम माइनस हाफ के बारे में भी यही बात बोल सकते हैं। तो अगर हम किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करके देख लें कि भाई उस पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, तो ये क्या बनेगा? 1 - √1 - 4 × 1/2 का स्क्वायर एंड दैट डिवाइडेड बाई हाफ, ये >3। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये क्या आ गया, 1 - √1 - 1/2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट ही 0 हो गया और हाफ से डिवाइडेड था ये, तो ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 2 से बड़ा 3 है कि नहीं? तो हाफ तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ना, एक्स की जो 1/2 वैल्यू है ये बिल्कुल सही बात है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया ना, इसमें हाफ उसने क्यों नहीं रखा? तो एक ही करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास कि इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट का मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। लेट सपोज, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और दूसरा जो सेट है वो बिल्कुल डिसजॉइंट है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 4 5 6 हो गया। और ये सब हम बात कर रहे हैं एक यूनिवर्सल सेट के अंदर जहां पे ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10, थोड़ा और बढ़ा के ऐसे लिख लेते हैं। तो 10 तक के ऐसे नेचुरल नंबर्स थे, उसमें से ए और बी ये डिसजॉइंट सेट थे। तो अब हम लोग अगर बी डैश लिखेंगे तो बी डैश का मतलब होता है यू माइनस बी, तो अगर यू में से ये सब कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? 1 2 3 बचेगा, 4 5 6 तो सब्ट्रैक्ट हो गया, बचेगा फिर 7 8 9 10। ठीक है, वो छोटा भी रख सकते हैं, तो 10 तक जाने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग दिस। तो अब अगर बी डैश हमें पता चल गया, तो ए यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा हमारे पास? ए ऑलरेडी 1 2 3 है, तो यूनियन लेने के बाद भी बी डैश के साथ यही चीज बचेगा ना, 1 2 3 7 8 9 10। तो ये क्लियरली ऑप्शन ए तो नहीं है, ए तो नहीं मिला हमें ऐसा यूनियन लेने पे, ए डैश भी नहीं मिला, क्योंकि 1 2 3 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे यू में से तो 4 5 6 7 8 9 10 मिलना चाहिए था, और बी डैश अगर हम देखें तो बी डैश 1 2 3 7 8 9 10 ये हमें मिल रहा है, बी डैश मिल रहा है, सेम टू सेम ही तो है ये जो टर्म है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो एग्जैक्टली इस बी डैश के ही इक्वल तो है 1 2 3 7 8 9 10। ये बी ऑप्शन क्यों गलत है? बी माइनस ए तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो डिसजॉइंट सेट थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए सेट ऑफ कार्डिनलिटी 3। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n(n+1)/2, तो n की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो वो रख देंगे 3, 3 + 1 हो जाएगा 4/2, तो ये आ गया, ये हो जाएगा 2 to the power 6 विच इज 64। तो राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक फंक्शन 2 से इनफाइनाइट, जो 2 to infinite है, फंक्शन भी गिवन है हमें और ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो ए का हमसे सेट या इंटरवल बेसिकली पूछा जा रहा है। बाइजेक्टिव का फंक्शन का मीनिंग क्या है कि ऑन टू भी होता है फंक्शन और 1 1 भी होता है, 1 1 ऑन टू बोथ, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बोथ। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करें अगर, तो ये जो ए है ये कहलाता है कोडोमेन, करेक्ट? और कोडोमेन जो फंक्शन है उसका ए है और वही हमें फाइंड आउट करना है, और बाइजेक्टिव ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू में क्या होता है कि रेंज और कोडोमेन सेम हो जाता है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस फंक्शन का रेंज निकालने की कोशिश कर सकते हैं, और रेंज पता चल गया तो कोडोमेन भी हम अल्टीमेटली बता ही रहे होंगे वहां पर। तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए इस फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, वाई इज इक्वल टू x²-4x+5। इसको अगर मैं लिख लूं इस तरीके से कि x-2 का होल स्क्वायर है तो ये +1। तो अभी जो x की वैल्यू है वो तो ये 2 से इनफाइनाइट से हम लोग पिक कर सकते हैं ना, x की वैल्यू 2 3 4 ऐसे करते करते, तो अगर किसी ने 2 पुट किया तब तो मिनिमम वैल्यू 1 आ रहा होगा, लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे x की वैल्यू कोई बढ़ाएगा इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब जो y का मिनिमम वैल्यू है
वाई मिनिमम इज इक्वल टू वन, एंड वाई मैक्सिमम क्या होगा, जब कोई एक्स इनफाइनाइट पुट कर दे तो वो तो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा ही, तो जो रेंज होगा हमारा बेसिकली वो वन से इनफाइनाइट होगा, वही कोडोमेन के भी इक्वल होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास कि सेट ए के अंदर सात एलिमेंट्स हैं, x1 x2 x3 ऐसे करके, बी के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछा जा रहा है ए से बी जो डिफाइन हो सकता है, दैट आर ऑन टू एंड देयर आर एग्जैक्टली थ्री एलिमेंट्स इन एक्स इन ए, सच दैट कि उन तीनों वैल्यूज ऑफ एक्स पे हमें सेम ही आउटपुट वाई टू मिल रहा हो। तो सिचुएशन जरा और अच्छे से क्लियर आपको समझा देता हूँ। ये अपने पास सेट ए है, ये अपने पास सेट बी है, बी के अंदर तो तीन ही एलिमेंट्स हैं y1, y2, y3, और अपने पास यहाँ पे x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 ये सात एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर। कहा ये जा रहा है कि ये एक ऑन टू फंक्शन है और साथ साथ में तीन एग्जैक्टली ऐसे एलिमेंट्स हैं ए के अंदर जो कि सेम आउटपुट वाई टू दे रहे हैं, वो कोई भी हो सकते हैं तीन। तो मैं यहाँ पे x2, x3, x4 ले लेता हूँ, होने को कोई भी हो सकता है, आई हैव जस्ट सेलेक्टेड एनी थ्री। तो बच क्या गया, x1 बच गया ऊपर और नीचे तीन एलिमेंट्स बच गए ये। तो टोटल अब हमारे पास y1 और y3 के लिए कितनी चॉइसेस बची, चार चॉइसेस। तो इसीलिए दो एलिमेंट्स y1 y3 के लिए चार चॉइसेस हैं, तो वो हो गया 2 to the power 4, और सिंस ये एक ऑन टू फंक्शन है तो 2 to the power 4 minus 2 करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे y1 y3 दो पॉसिबिलिटीज उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक कुछ वेज हो गए अरेंजमेंट के। बाकी अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स जो हमें थ्री एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए जो कि हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले थे, सात में से वो कोई भी तीन हो सकते थे जो y2 से मैपिंग किया गया है, तो एनी थ्री आउट ऑफ सेवन कैन बी सेलेक्टेड। तो उसके लिए कितने तरीके हो जाएंगे, 7C3, और 7C3 का मतलब 7 factorial by 3 factorial 4 factorial हो गया, यानी 7 into 6 into 5 into 4 factorial, और नीचे जो अपना 3 factorial है वो भी 3 into 2 हो गया, और 4 factorial तो 4 factorial से कैंसिल आउट हो गया, 6 से ये 3 into 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया 35 वेज। और ये जो हमने मैपिंग की थी ऊपर, ये आ गया 14 टोटल, करेक्ट और नॉट। तो 14 into 35 ये सारा का सारा रीअरेंजमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फंक्शंस जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन था उसके बेसिस पे, और ये कैलकुलेट करने पे आएगा 490, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास कि R1 R2 दो रिलेशंस गिवन है रियल नंबर में, हमें रेंज बताना है R1 और R2 रिलेशन के इंटरसेक्शन वाले पोर्शन की। तो अगर हम लोग डायग्रामेटिकली इसको समझे तो ज्यादा बेटर होगा। ये जो पहला रिलेशन है वो बेसिकली एक सर्किल गिवन है हमें, इसका रेडियस 5 है, ये 25 है ना, तो ये हो गया 5, 0, ये हो गया अपना 0, 5, और ये हो गया 0, -5, और ये हो गया -5, 0, और लेस देन की इनइक्वालिटी मतलब सर्किल के अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्किल के ऊपर भी पॉइंट हो सकता है क्योंकि इक्वल टू भी गिवेन है। लेकिन अगर और ज्यादा बात करें R2 तक चले जाएं तो R2 फंक्शन बेसिकली कुछ इस तरीके से, अगर हम इसको थोड़ा चेंज करके लिखें, x² > जो सिंबल था उसको y की तरफ ही रखना है, तो ये 9/4 y हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास x² = 4ay टाइप का पैराबोला ऑलरेडी हमें पता है कैसे ड्रॉ होता है, तो वो ओरिजिन से पास करेगा और ऐसे ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं हम लोग इस टाइप से। और अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है साइन, तो कोई भी एक पॉइंट अगर हम पुट करके देखें तो पता चल जाएगा कि किधर की तरफ हमें जाना है। तो जैसे अगर मैं 0.5 ही पुट करके देख लूँ ये वाला पॉइंट, ताकि पता चले कि वो इस रेंज में लिया जा सकता है कि नहीं, तो एक्स या 0 पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है 0 से बड़ा वैल्यू आएगा ही, 9/4 × 5 0 से बड़ा है, डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ पैराबोला चलता जाएगा, यानी कि अब ये वाले पॉइंट्स जो ग्रीन पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर है, वो भी ले सकते हैं हम लोग, और ये ऊपर भी आप चलते जा सकते हैं, वो पॉइंट्स भी अलाउड है, देयर इज नो प्रॉब्लम, करेक्ट। बट कॉमन पोर्शन की बात करें तो कहाँ पे ग्रीन और येलो दोनों वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो वो वाला पोर्शन ये है, और इस पोर्शन में अगर हम लोग रेंज की बात करें तो वो 0 से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, 0 से लेकर के 5 तक ही तो जा रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे सॉल्यूशन सेट ऑफ इनक्वालिटी पूछा गया है, जहाँ पे लॉग और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लॉग साइन पाई बाई थ्री मतलब साइन 60 वो वैल्यू रखते हैं √3/2, और इधर हो गया x² - 3x
प्लस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि रूट थ्री बाई टू की वैल्यू लेस देन वन है, और लेस देन वन की वैल्यू है तो लॉग हटाने के लिए रूट थ्री बाई टू पे ये पूरा का पूरा LHS पावर अगर चढ़ा दें तो लॉग गायब हो जाएगा और सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ठीक है, इसको रेस किया तो राइट साइड में भी रूट थ्री बाई टू के ऊपर ये पूरा का पूरा राइट साइड रेज होगा, लेकिन सिंस रूट थ्री बाई टू लेस देन वन था ये इनइक्वालिटी का साइन अब चेंज हो जाता है। तो हमारे पास एक इनइक्वालिटी क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज लेस देन थ्री बाई फोर। इसको अगर रीअरेंज कर लें तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू माइनस थ्री बाई फोर लेस देन और इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव बाई फोर इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। और अगर इसको रीअरेंज कर लें तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस थ्री बाई टू होल स्क्वायर अगर करते हैं तो पहला टर्म एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, दूसरा टर्म भी मिल जाएगा हमें अपना माइनस थ्री एक्स, और प्लस नाइन बाई फोर आएगा, बट हमें चाहिए माइन प्लस फाइव बाई फोर। इसका मतलब नाइन बाई फोर जो आ रहा है उसमें से हमें माइनस फोर बाई फोर करना पड़ेगा, यानी माइनस वन करना पड़ेगा। वो माइनस वन उधर में भेज के उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ वन। तो बेसिकली यहां से अब सॉल्यूशन सेट क्या लिख सकता हूँ कि एक्स माइनस थ्री बाई टू का वैल्यू वो माइनस वन से वन तक बिलोंग कर सकता है, ये बात लिखी जा सकती है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, तो अभी थ्री बाई टू एड करते हैं दोनों साइड, तो इधर हो जाएगा हाफ, इधर बचेगा एक्स, और इधर हो जाएगा फाइव बाई टू। तो एक तो हमें सोल्यूशन यहां से मिल गया एक्स का, बट इतना सिर्फ सफिशियंट नहीं है क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के सामने जो भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए डोमेन ऑफ द फंक्शन के कॉन्सेप्ट से। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू दैट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसको अगर हम लोग लिख लें तो ये हो जाएगा बेसिकली फैक्टराइजेशन से एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। ऐसा करने से माइनस थ्री एक्स आ जाएगा और प्लस टू भी आ जाएगा इस क्वाड्रेटिक में। तो ये नंबर लाइन पे देखें तो ये वन है, ये टू है, सोल्यूशन क्या आ गया इसके इधर या फिर इसके राइट साइड में। तो ये अपना सेकेंड सोल्यूशन हो गया। तो वन और टू को कंबाइन करेंगे अगर, क्योंकि दोनों को मिला के ही आंसर देना है, तो हम वन से छोटा वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, बट हाफ से छोटा नहीं हो सकता ना, वन बाई टू से बड़ा था वैल्यू। तो कंबाइन करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा कि वन बाई टू से ज्यादा लेकिन वन से छोटा ही रहना चाहिए, वन ओपन इंटरवल है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं था। और फिर यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा कि टू से बड़ा वैल्यू तो ले सकते हैं लेकिन फाइव बाई टू क्रॉस नहीं कर सकते, इस तरीके से गिवन था। तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे बोला जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास लेट सपोज ए एक सेट है वन टू थ्री, ठीक है, और सिंस बी जो है वो डिसजॉइंट सेट है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए, तो लेट सपोज फोर फाइव सिक्स ले लिया, और यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर ये सारे सेट्स लाई करते हैं उसको एक बड़ा सेट लेना पड़ता है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन एट नाइन, लेट सपोज ये नाइन तक ले लिया। अब ए डैश का मतलब हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल में से ए को सबट्रैक्ट कर दे तो ए डैश आ जाता है। तो वन टू थ्री अगर सबट्रैक्ट करके लिखें तो क्या आएगा, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। और अगर अब बात करें बी इंटरसेक्शन ए डैश की, तो इंटरसेक्शन लेने पे तो सिर्फ यही दिख रहा है, फोर फाइव सिक्स तीन ही एलिमेंट्स कॉमन है ए डैश और बी में। तो अगर इसकी वैल्यू हमसे पूछी थी क्वेश्चन में तो ए के इक्वल तो नहीं हो रहा है ना, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ए डैश तो हमारा कुछ और था, ए डैश क्या था, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो ए डैश के भी इक्वल नहीं है। और बी डैश के बारे में बोला जा रहा है तो बी डैश भी तो फोर फाइव सिक्स सब्ट्रैक्ट कर दे अगर, तो वन टू थ्री सेवन एट नाइन इतना बड़ा सेट आ गया, बी डैश भी तो इसके इक्वल नहीं है, तो बी डैश वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो ये दोनों चीजें सेम है, बी और बी इंटरसेक्शन ए डैश ये सेम है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया।